सिंधिया का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला, बोले टाइगर अभी जिंदा है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंत्री पद एक तोहफा नहीं बल्कि मंत्री पद एक जिम्मेदारी है। पिछले 15 महीनों की सरकार ने जो अन्याय भ्रष्टाचार किया उसकी पूर्ण रूप से मलम पट्टी, न्याय और पूर्ण रूप से प्रगति का रास्ता लेकर चलना होगा। हमें काबिल लोगों को आगे करना है, बहुत विश्लेषण होता है, सभी का समावेश हुआ है, सभी लोगों को उचित स्थान दिया गया है, नए चेहरों के साथ पुराने चेहरों को भी तवज्जो दी गई है, इसके साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक चेहरे भी हैं। अब जो निर्णय लिया गया है, मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। हर निर्णय में कोई ना कोई रह जाता है, इसका हमें दुख है, यह भावना जरूर उत्पन्न होती है, पर भारतीय जनता पार्टी में सभी के साथ न्याय किया जाएगा। मेरी चर्चा प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा जी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान से भी हुई है, उनकी भी यही भावना है। कांग्रेस को मैं पूर्ण रूप से जवाब दूंगा। बस अभी इतना कहना चाहता हूं, खासकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, कि टाइगर अभी जिंदा है, कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों का की सेना का गठन हुआ है। देखिए, हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है, और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहाँ हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा, और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है, और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है।